हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सरणी, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस समांतर सरणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 के बराबर है और 22वां पद 149 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योग बताइए। इसका मतलब समांतर सरणी के इन पदों तक के योगफल को हमको बताना है, जिसमें पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, 22। इसका मतलब हमको S22 बताना है कितने के बराबर होगा, SN बोले या फिर S22 बोले। ठीक है, जिसमें D दिया है कितने का बराबर, 7 के बराबर दिया है और 22वां पद 149 है। इसका मतलब A 22 कितने का बराबर दिया है, 149 के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब बस इसी को हम लोग को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो एनवा पद निकालने का हम लोग फार्मूला जानते हैं, वो होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन के जगह पे हमको क्या रखते जाना है, 22। इसका मतलब हमको यहाँ से एन भी क्लियर है कितने का बराबर है, 22 के बराबर, तो लिखेंगे ए 22 बराबर ए के जगह पे क्या रखना है, ए नहीं मालूम है। ठीक है, तो ए प्लस एन के जगह पे मालूम है 22 माइनस 1 अगुणे डी के जगह पे 7 लिख सकते हैं। ए 22 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 149 बराबर ए प्लस 22 में से घटा देंगे, ये हो जाएगा 21 गुणे 7। इधर है 149 बराबर ए और प्लस 21 से गुणा कर देंगे 7 में, तो 7 एक में 7 और 7 दुना के 14, 147। अब ए की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 147 को बराबर के इधर भेज देंगे, तो ए बराबर हमारा आएगा 149 माइनस 147। अब यहाँ से घटाएंगे तो ए की वैल्यू हमको 2 के बराबर मिल जाएगी, और जब हमको ए की वैल्यू मिल गई तो लिखेंगे ए बराबर हमको मिल गया 2 के बराबर, तो हम 22 पदों का योगफल बता सकते हैं। इसका मतलब S22 निकाल सकते हैं, और हम लोग फार्मूला जानते हैं SN बराबर N बाय 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D से तब सॉल्व कर लेंगे। तो S एन के जगह पे क्या रखना है, 22 बराबर 22 बटे में 2 ब्रैकेट में 2। ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एन के जगह पे रखना है 22। अब देखिए हम लोग एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से हम लोग लिखे थे एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे कितना, इतना, और इसको सॉल्व किए थे तो ये कितने के बराबर आया, 147 के बराबर आया। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे 147। अब यहाँ से 22 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे निकलेगा 11 S22, और ये हो जाएगा 22 जब 4 प्लस 147। अब हम लोग S22 यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 11 अगुड़े 147 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 151 के बराबर। अब हम लोग जब इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे कितने के बराबर आएगा, तो हम लोग इसका गुणा करके देखें, ये आ रहा है 1661 के बराबर। ठीक है, तो S22 हम लोग को निकल जाएगा 1661 के बराबर, तो यही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमको क्या बताना था कि उसके 22 पदों का योग बताइए, हमने 22 पदों का योग निकाल लिया और यही उसका हो जाएगा आंसर।